नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया में भारत का दबदबा बढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का दबदबा बढ़ रहा है और पिछले एक साल में भारत के प्रति न सिर्फ दुनिया के स्वर बदले हैं बल्कि नजरिया भी बदल गया है। तीन देशों की यात्रा के आखिरी दौर में दक्षिण कोरिया पहुंचे मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि वे मक्खन पर नहीं पत्थर पर लकीर खींचना चाहते हैं। भारत में भले ही बदलाव की राह मुश्किल है लेकिन वे संघर्ष के लिए तैयार हैं। भारत की विदेश नीति का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार की नीति है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। मोदी को राहुल ने 10 में से 0 अंक दिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस की नरेंद्र मोदी सरकार को किसानों और मजदूरों के मुद्दे पर 10 में से 0 अंक दिया। अपने निर्वाचन क्षेत्र अमेठी रवाना होते समय बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ में सोमवार को राहुल ने कहा कि अगर किसानों और मजदूरों की बात करते हैं तो 10 में से 0। दरअसल उनसे सवाल किया गया था कि मोदी सरकार के एक साल पूरा होने पर वह उसे कितने नंबर देंगे। उन्होंने कहा कि अगर कुछ उद्योगपतियों और औद्योगिक घरानों की बात की जाए तो 10 में से 10। नेपाल में मृतक संख्या 8500 के पार। नेपाल में पिछले एक महीने में आए दो भूकंप में मरने वालों की संख्या 8500 के पार पहुंच गई है। मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका है। इससे पहले वर्ष 1934 में आए भूकंप में 8519 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि भारत में भी हजारों लोगों की मौत हो गई थी। बचाव कर्मियों ने दूर दराज के गाँवों में लापता दर्जनों लोगों की तलाश के लिए सोमवार को जाँच अभियान चलाया। द्रौपदी मुर्मू बनी देश की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल। ओडिशा की पूर्व मंत्री और आदिवासी राजनीतिज्ञ द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को यहां झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की। झारखंड राजभवन के बिरसा मंडप में आयोजित एक समारोह में राज्य के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह ने मुर्मू को शपथ दिलाई। देश की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल मुर्मू ने अंग्रेजी में शपथ ग्रहण की। मयूरभंज जिले की निवासी मुर्मू रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार भाजपा विधायक रह चुकी हैं। युवराज के पीछे बल्ला लेकर दौड़े क्रिस गेल। रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और दिल्ली डेयर डेविल्स का मैच बारिश से धुल गया। हालांकि बारिश से बाधित इस मैच का फायदा बेंगलोर को मिला और उसे प्लेऑफ में एंट्री मिल गई। बेंगलोर की पारी की 7 गेंदें ही फेंकी गई थी कि बारिश आ गई। दोनों टीमों के खिलाड़ी पेबेलिन की ओर बढ़े, इसी समय युवराज सिंह ने मजाक में क्रिस गेल को धक्का दे दिया। फिर क्या था, गेल ने भी बल्ला उठाया और यूवी की ओर दौड़ पड़े। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।